नमस्कार दोस्तों, माय टेक की सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के अभी ट्रेंडिंग रील के बारे में। तो गाइस अभी एक इंस्टाग्राम की ट्रेंडिंग रील चल रही है, क्लैप्स गन और बाद में आपके वीडियो के इफेक्ट होंगे। तो इस तरह का रील आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन से क्रिएट कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे और एक भी फेक वीडियो चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस साइड में आपको स्क्रीन दिख रही है, बस इस स्क्रीन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से इस तरह का रील आप एडिट कर सकते हो। तो गाइस इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है VN एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरह का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से इसमें एडिट कर सकते हो और किसी भी तरह का वाटरमार्क नहीं आता, HD क्वालिटी में वीडियो एडिट होता है। तो इस VN एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसको प्ले करना, ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे दो नंबर पर प्लस का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें, बाद में न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो गैलरी ओपन हो जाएगी आपकी, जिसमें वीडियोस और यहाँ पर साइड में फोटोज होंगे। तो गाइज आपको वीडियोस के ऑप्शन पर आ जाना है। तो गाइज आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दी है। वीडियो की लिंक है कुछ इस तरह की, जिसमें जो स्टार्टिंग में गन और क्लैप का वीडियो है वो वाला वीडियो मैंने दिया है। तो इस वीडियो को आपको क्लिक करना है, इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से एंटर करना है। और उसको लेने के बाद गाइज आपको क्या करना है, इस तरह का वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस इस तरह का वीडियो उसके बाद आपको प्ले करना है और जो ब्लैक कलर की गाड़ी आती है इससे थोड़ा पीछे लेना है इस तरीके से। और ये इसके बाद आपको यहाँ पर स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद आगे वाला फोटोज जो है इसको डिलीट करना है, वीडियो इसको डिलीट करना है, क्योंकि आपको अभी आपके खुद के फोटोज डालने हैं, आपकी गाड़ी के फोटोज डालने हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इस पहले वाले वीडियो पर क्लिक करना है और वैल्यूम के ऑप्शन पर आकर इसको जीरो कर देना है। तो इससे क्या होगा कि वैल्यूम कट हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और कुछ फोटोज लेने आपके जो डालना है आपको, या वीडियो डालना है वो वाले फोटोज यहाँ से एंटर करना है आपको। तो गाइस मैं डाल देता हूँ इस तरीके से। तो गाइस मैंने कुछ ये चार पांच फोटो डाल दिए, ये देख सकते हो आप, चार पांच फोटो डाल दिए। उसके बाद इस एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर म्यूजिक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और जो डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो स्टार्टिंग में हमें वीडियो लिया है उसी वीडियो पर क्लिक करना है और राइट ओके ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिससे क्या होगा कि गाइस आपका जो भी इस वीडियो को म्यूजिक था वो बैकग्राउंड म्यूजिक लग जाएगा। ये देख सकते हो ये म्यूजिक बन चुका है। उसके बाद चूज के ऑप्शन पर करना है और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो म्यूजिक बन चुका है, ये देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद हमें फोटोज एडजस्ट करने, तो मैं करके दिखाता हूँ एडजस्ट करने। बस इस तरीके से आपको फोटोज एडजस्ट करने, तो यहाँ पर जिस तरीके से बीट चलेगी उस तरीके से आपको फोटोज यहाँ पर एडजस्ट करने हैं इस तरीके से, और आप इसको एडजस्ट करके यहाँ पर फिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस, यहाँ पर इफेक्ट आपको नीचे मिलेंगे। तो यहाँ पर इफेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरीके से इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अच्छे से इफेक्ट दिखाई देगा। ये देख सकते हो ब्लिंक इफेक्ट है, शेक इफेक्ट है, यहाँ फ्लैश इफेक्ट है, जिटर इफेक्ट है। इस तरीके से आपको ऐड करना है, अप्लाई टू ऑल कर सकते हो इस तरीके से, तो सभी को लग जाएगा। या आप अलग अलग डालना चाहते हो तो अलग भी डाल सकते हो। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इस तरीके से इफेक्ट भी आप डाल सकते हो। अगर आपको चेंज करना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको कोई अलग सा इफेक्ट डालना है तो यहाँ पर वो भी डाल सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, ये देख सकते हो अलग अलग इफेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है वो वाला इफेक्ट आप यहाँ से डाल सकते हो और अप्लाई करना है आपको। तो चलिए इस तरीके से वीडियो की इफेक्ट लग जाए। इसके बाद गाइज आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी में इस वीडियो को सेव कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो एक्सपोर्ट इस तरीके से हो जाएगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। यहाँ से आपको इंस्टाग्राम की रील ऑप्शन पर आप इसको अपलोड कर सकते हो। तो गाइज बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरह से इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो गाइज अगले जो ट्रेंडिंग रील चलेगी उसके बारे में भी आपको वीडियो इस चैनल पर दिखाई देगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में। इस तब तक के लिए बाय।